का स्वागत है हमारे खास शो फिट रहेगा इंडिया में। और क्योंकि नाम है फिट रहेगा इंडिया, तो हमारी कोशिश भी यही है कि आप फिट रहें और इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहें, जिससे हम आपको बताते रहें कि आपको कोई भी अगर बीमारी है तो उसको कैसे ठीक करना है योग के थ्रू। क्योंकि योग जो है आपके जीवन में सकारात्मकता तो लाता ही है, साथ ही साथ आपके जो रोग होते हैं या ऐसी बीमारियां जो सिर्फ योग से खत्म हो सकती हैं, वो भी आपको सफलता देता है, आपको लाभ देता है। तो आज हमें बताएंगी योगा ट्रेनर अरु सोनी कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अरु, आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, आसन करने वाले हैं? आज हम मोस्टली जो स्पाइन से रिलेटेड आसन होते हैं वो करेंगे। स्पाइन पे लेट के किए जाने वाले आसन, जिसमें कि हम मोस्टली हरनिया पे थोड़ा फोकस करेंगे। और जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं, हेडेक रहता है जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा, तो ये उनसे रिलेटेड होगा पूरा एपिसोड। जी, क्योंकि अगर हम सर्दियों में एक्सरसाइज आसन इस तरह के करते हैं तो जो अस्थमा के पेशेंट हैं जिन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, तो क्या उन्हें भी ये फ़ायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस एपिसोड में एक आसन होगा सेतुबंद, जो अस्थमा के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी, तो आप अस्थमा के पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, तो आप ये आज का एपिसोड ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खास है। अगर सर्दियों में आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है या मौसम बदलते ही आपको ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, दमा की प्रॉब्लम होती है, और या ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होती है, तब आप ये एक्सरसाइज या आसन कर सकते हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे आसन भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज लेग्स को खोल के सीधे लेटेंगे। कभी भी आसन कौन सा करें? हम पहला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्त, जब भी हम सीधे लेटते हैं तो स्ट्रेट नहीं लेटेंगे, किसी भी एक तरफ करवट लेके लेटेंगे, क्योंकि बैक में हमारी बहुत सारी मसल्स हैं और बहुत सारी नर्व्स हैं जो कि एक्टिव रहती है। जैसे ही हम सीधे लेटते हैं तो उनका पुल होने का डर रहता है, जिससे कि आप बोलते हैं हिंदी में मोच बोलते हैं, और स्प्रेन वगैरह जो आ जाता है तो उस कारण आता है। तो हम किसी भी एक तरफ करवट लेंगे और फिर लेटेंगे। तो राइट साइड करवट लेके देन सीधे लेट जाएंगे। आपको लेग्स को गैप करके रखना है थोड़े सेकंड के लिए, हथेलियाँ आसमान की तरफ पैर के साइड में। अभी रिलीज करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, हथेलियाँ जमीन पर। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे पहले, देन लेफ्ट को। ट्राई करेंगे आपके घुटने चेस्ट पे टच हो, हथेलियाँ दोनों जमीन पे रहेंगी। धीरे से हग करेंगे अपनी नी को, हथेलियों को लॉक करके मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे। अभी स्लोली अपनी नेक को लिफ्ट करके अपनी चिन को नीज पे टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपकी शोल्डर कम्प्लीटली रिलैक्स रहे। होल्ड करेंगे इस आसन को 10 सेकेंड के लिए। धीरे से नेक को जमीन पे लेके आएंगे वापस। अपने हाथों को रिलीज करके फ्लोर पे रखेंगे और लेग्स को कम्प्लीटली स्ट्रेट कर देंगे और शवासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों लेग्स में गैप, हथेलियाँ आसमान की तरफ फिर से एंड रिलैक्स हेयर। जी, और जिस तरह आप प्रोसेस बताते हैं किसी भी आसन की, कि धीरे धीरे हमें हथेलियाँ आप करनी है या नी धीरे धीरे जमीन पर रखनी है, तो ये क्या प्रोसेस इस तरह ज़रूरी होता है करना? कई बार क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी में कर देते हैं एक्सरसाइज। जल्दी में करेंगे तो फिर उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। तो सारी प्रोसेस का एक रूल होता है, राइट की साइड टर्न करेंगे फिर से और वापस बैठ जाएंगे। लेग्स को फोल्ड करेंगे, रिलैक्स। तो कोई भी आसन अगर आप कर रहे हैं या कोई भी योग एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे प्रोसेस में करें, जिस तरह से आपको योगा ट्रेनर बताते हैं या आपको टीवी पर जब अरु बताती हैं, आपको उसी तरीके से करनी है। आप बहुत जल्दी में करेंगे तो वो आपको ही नुकसान देगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रिलीफ मिले, तो आपको अरु को ध्यान से देखिएगा और उनसे सीखिएगा। और एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि आप ध्यान से इसलिए देखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी आसन या एक्सरसाइज गलत तरीके से करते हैं तो ये आपको गलत प्रभाव डालेगा, आपकी बॉडी पर गलत इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेग्स फिर से स्ट्रेट करके किसी भी एक तरफ करवट लेके सीधे लेट जाएंगे। आपके दोनों हाथ आपके थाइस पे रहेंगे।
दोनों हाथों को, लेग्स को और चेस्ट को 45 डिग्री पे आपको अप करना है इनहेल करते हुए. तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड अप. अपनी टोज को बाहर रखेंगे, होल्ड करेंगे इस आसन को फॉर 10 सेकेंड. सामने देखेंगे, स्लोली नीचे आएंगे वापस एंड रिलीज. रिलीज इन शवासन. लेग्स को वापस स्प्रेड कीजिए, हथेली आसमान की तरफ एंड रिलैक्स हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स. किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे. जी, तो ये नौका आसन हमने किया है जी. और क्योंकि नौका जैसा पोज हमने बनाया और इसलिए इसको नौकासन कहते हैं. नौकासन से आपने फ़ायदे हमें बताए, लेकिन कौन सी टिप्स हम जानना चाहेंगे, वो टिप्स जिससे हम और भी बहुत सारे बेनिफिट पा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को अस्थमा इशू है, जिन्हें हेडेक रहता है, वो ये आसन नहीं करेंगे. वो ट्राई करेंगे इसे अवॉइड करने का. एंड सेकेंडली, बहुत सारे ये होते हैं कि हम प्रॉपरली 45 के एंगल पे नहीं आ पाते, तो आप जितने भी इनिशियल डेज पे 30 के एंगल पे सेट करो. और वन मोर थिंग कि आप अपनी स्पाइन को कभी भी आर्च नहीं रखोगे. आर्च रखोगे आपके स्पाइन पे प्रॉब्लम आएगा और हो सकता है आपको स्पाइन इंजरी भी हो जाए इसमें. तो हम ट्राई करेंगे हमेशा अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने का जी. और अरुवे तो आप हमेशा कहते हैं कि स्पाइन स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे. एग्जैक्टली. और सेतुबंध जो बताया, ये ध्यान रखिएगा, सेतुबंध आपके अस्थमा प्रॉब्लम को सही करने के लिए है. तो वहीं नौकासन, अगर आपको अस्थमा है तो आपको नौकासन नहीं करना है. तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और साथ ही साथ बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं. लेकिन अगर हम नौकासन कहीं थोड़ा सा गलत तरीके से करते हैं तो इसका कुछ गलत प्रभाव भी हम पर. नौकासन अगर आप स्पाइन को आर्च रख के करेंगे तो आपके स्पाइन, हो सकता है इंजरी आ जाए स्पाइन में. आपको अपनी नीज को हमेशा स्ट्रेट रखना है. चलें, तो बहुत बहुत शुक्रिया आरू इतनी सारी जानकारी के लिए, इतने सारे आसन बताने के लिए, इतने सारे बेनिफिट देने के लिए.